वेलकम टू सविलास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, चाहे आप उसको काढ़ा कह सकते हैं, टी कह सकते हैं। आजकल के जो जनरेशन है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सभी की इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है खान पान से, एनवायरनमेंट से। तो इसको बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके कमज़ोर होने से बहुत सारी बीमारी आसानी से लग जाती हैं, चाहे वह फ्लू है या कोल्ड है। तो इसके लिए हम एक ये टी बना रहे हैं। ये मैं दो तरह से बनाना आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये जिंजर का पीस लिया है, अदरक का पीस लिया है, एक बड़ा पीस है अदरक का, एक बड़ी इलायची है, ये दालचीनी है, इसके छोटे छोटे चार पांच पीसीज हैं, पांच लौंग हैं, आठ दस काली मिर्च हैं, आधा छोटा चम्मच है, आधा छोटा चम्मच है हल्दी पाउडर, आधा नींबू है, नींबू अब सबसे एंड में ऐड करेंगे। दो से तीन चम्मच यहाँ पर मैंने शहद लिया है, शहद भी हमें लास्ट में ऐड करना है। मीठे के लिए आप शहद ऐड नहीं करना चाहते, आप इसकी जगह गुड़ या बताशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप मीठा नहीं डालना चाहते तो आप बिना मीठे के भी इसको पी सकते हैं। सबसे पहले ये मसाले हम क्रश कर लेंगे, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, सबसे पहले हम इनको हल्का सा क्रश कर लेंगे। ये क्रश करने वाला आपके पास नहीं है तो बेलन की हेल्प से भी आप इसको क्रश कर सकते हैं। एक बर्तन में हम एक गिलास पानी ऐड करेंगे, साथ ही क्रश किए हुए गर्म मसाले हम इसमें डाल देंगे, सौंफ भी डाल देंगे और हल्दी पाउडर भी इसमें डाल देंगे, अदरक को भी कूट कर हम इसमें डाल देंगे। और सबसे पहले हम पानी के अंदर बॉयल आने देंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम कम कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से पकने देंगे। मसालों के साथ ये टी को पकते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं और सभी चीज़ों का अर्क अच्छे से निकल चुका है। तो अब इसमें से मैं हाफ निकाल लूँगी। इसमें मैंने तो हरी इलायची भी ऐड की थी, वो मैं बताना भूल गई थी, रखना भूल गई थी इसमें, तो मैंने इसको बाद में ऐड कर दिया था। अब इसमें हम हाफ निकाल लेंगे। अब ये हाफ पानी मैंने इसमें से निकाल लिया है। जो लोग ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी में आप ये मसाले डालकर पी सकते हैं। यहाँ आधा छोटा चम्मच यहाँ मैं ग्रीन टी डाल रही हूँ। इसके साथ ये पानी मैं पका लूँगी अच्छे से। दोबारा से ये मैं 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका ली है। अब इसको हम कप में कर लेंगे। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो हमने ये टी तैयार की है, ये मैंने 2 कप में डाल ली है। अब हमें इसमें लेमन जूस और हनी ऐड करना है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खट्टा नहीं खा पाते हैं, तो वो आप बिना नींबू डाले उनको दे सकते हैं। यहाँ पर मैं ये नींबू डाल रही हूँ। और हनी भी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये इम्यूनिटी बूस्टर टी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसको अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को ज़रूर दें, क्योंकि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, बीमारियों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखें, ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।